कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, फॉर लूप की वर्किंग क्या है, कैसे इनिशलाइज किया जाता है, कैसे उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये कैसे स्टेटमेंट पास की जाती है इस वीडियो के अंदर। इससे पहले देखा था हमने डू वाइल लूप, और से काफ़ी सारे प्रोग्राम भी बनाए थे। इसमें एक बनाते हैं हम फॉर लूप के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास मेंशन करते हैं, क्लास हमारी चल रही थी रॉबिन वन फिट डॉट, सॉरी सॉरी यहाँ तो अभी हमें क्लास दिया तो नहीं है, एक्सटेंशन देना होगा वो। सेव कर लेते हैं इसको, और सेव करने में जावा ट्यूटोरियल के अंदर सेव किया हुआ है, और ये हमारा प्रोग्राम जो बनेगा नेक्स्ट p12.java, ये से एक्सटेंशन ये रहेगा सेम, ठीक है। इसे हम पहले पब्लिक क्लास बनाते हैं स्टैटिक वॉइड नेम, स्ट्रिंग पास की हमने, ये आ रहा ये कुछ भी दे रखे हैं हमने, ठीक है। ये स्ट्रिंग का ये आगे चल के ना वीडियो में हम भी ये भी देखेंगे, अभी हमें ये भी क्लियर करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है ये किस लिए लिखा जाता है, क्या यूज़ है इसका, इसको क्यों हम पहले डिक्लेयर करते हैं, मेन क्लास क्यों पहले डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें क्यों आती हैं, तो इसे भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में भी डिस्कस नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, अभी हमें क्लास ही समझ में नहीं आई थी स्टार्टिंग में, वो देखा सारा स्ट्रक्चर। तो आगे चल के जब हम एरे बनाएंगे और आगे जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें ये भी डिक्लेयर करते हुए चलेंगे, इसका थोड़ा सा टॉपिक लेंगे कि ये पब्लिक क्लास जो होती है, स्टैटिक वॉइड, इन सब के आगे चल के इनका मेन पर्पस क्या है बनाने का, कि इसके अंदर ही डिक्लेयर क्यों होती है क्लास। ओके, पहले हम कोई एक इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर को डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर ए इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। और एक फॉर लूप बनाते हैं, पहले एक सिंपल लूप बनाएंगे, उसके बाद कुछ डिफरेंट यूज़ करेंगे इसमें अंदर जाकर। एक इंटीजर टाइप ले लेते हैं आई, ये आई इक्वल्स टू वन, ये जो एक हम लूप बना रहे हैं फॉर, इसकी एक मतलब ये भी इस तरीके से होते हैं कि एक तो हम इसे प्री इनिशलाइज कर सकते हैं कि हम पहले से इनिशलाइज करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हम आई यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते थे, कोई वेरिएबल लिया हमने आई और यहाँ इसे डिक्लेयर कर दिया, तो इस कंडीशन में भी हमारा काम करेगा। लेकिन अगर इसे हम चाहते हैं लोकली वेरिएबल यूज़ करना, ग्लोबली नहीं यूज़ करना हमें, तो इसे इन फॉर लूप के अंदर ही हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके के मेथड है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोकल वेरिएबल हम ऐसे इसी तरीके से यूज़ करते हैं, लोकली इसे इनिशलाइज करते हैं, पहले डिक्लेयर कर देते हैं और फिर उसे वहीं यूज़ कर लेते हैं। तो आई को सुवन और आई लेस देन इक्वल्स टू 10, एंड यहाँ इंक्रीमेंट करेंगे इसे 4 इंक्रीमेंट करेंगे, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ पास करेंगे स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, सिंपली इसके अंदर हेलो हम पास कर देते हैं, ये प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फॉर लूप लिया, फॉर लूप के अंदर एक इंटीजर आई लिया हमने, ठीक है। वेरिएबल जो है वेरिएबल को हमने यहाँ पे दिया है कि वेरिएबल जो हमारे स्टार्ट होगा वो आई इक्वल्स टू 1 होगा, और कहाँ तक चलना है हमारा, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये हम यहीं पर इसे डिक्लेयर कर दिया कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 तक ये होगा। जो पहले हम डू और वाइल में यूज़ करते थे ना, पहले डू में स्टेटमेंट भी नीचे डिक्लेयर करते थे कहाँ तक चलना है। फॉर लूप की एक क्वालिटी ये है कि इसकी खासियत है कि इसको हम यहाँ ही डिक्लेयर कर सकते हैं, पूरी के पूरा सिंटैक्स का यहीं पर ही है। तो आई कहाँ तक चलना है हमारा, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और हमने यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट कराया, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा हमारा, इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहा जाता है। प्री इंक्रीमेंट के लिए हम इसमें दूसरे और प्रोग्राम्स बना के देखेंगे कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके, लेकिन ये मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है कि यहाँ पे हर बार ये वैल्यू चेक करेगा, स्टेटमेंट चेक करेगा, उसके बाद फिर देगा कि जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू रही तो फिर नेक्स्ट उसको दोबारा चेक करेगा और फिर उस पर हेलो को प्रिंट करा देगा। जब तक ये हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये हमारा हेलो प्रिंट होता रहेगा। तो एक बार इसे कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, इसे रन करके देखते हैं हम।
ठीक है, ये 10 टाइम हमारा हेलो प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम हमारा ये हुआ ये हमारा हेलो प्रिंट हुआ 10 टाइम। और इसमें कंडीशन तब फॉल हुई कि फॉल्स हुई कि तब इसने चेक किया कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक तो चला रहा, इसने वहाँ तक कंडीशन ट्रू उसने देखी और इसे प्रिंट करा दिया। लेकिन आगे जब उसने यहाँ से लूप में दोबारा चेक किया कि आई लेस देन 10 इक्वल्स टू 11 है या नहीं है, तो यहाँ उसे कंडीशन फॉल्स मिली कि आई जो है हमारे वो लेस देन 11 भी नहीं है और इक्वल 11 भी नहीं है। तो उस कंडीशन में वो लूप से बाहर निकला और 10 टाइम उसने हमारा ये हेलो प्रिंट कराया। तो और भी कुछ देखते हैं डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स, एक काम करते हैं यहाँ पर सीधा आई को प्रिंट करा लेते हैं, आई में जो हमारी वैल्यू दी गई है, ठीक है, कंपाइल किया इसको, कंपाइल हुआ था सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ देखेंगे हम ये 10 टाइम हमारा इसने प्रेस किया प्रिंट किया सॉरी, तो 1 2 3 4 5 10, क्योंकि 10 ही हमने यहाँ पर ये दिए हुए थे वैल्यू, तो 10 तक इसने देखा कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है, तो 10 तक इसने यहाँ पे प्रिंट कराया। फिर इसने कंडीशन चेक की थी बैकग्राउंड में सब, मैं एक्चुअली ये हमें प्रॉपर तो दिखता नहीं है कि कौन सी हो रही है, आगे चल के वो भी देखेंगे, थ्रेड लगा के चेक करेंगे वो भी हम। तो इसमें हमने देखा आई जब इसने कंडीशन फॉल्स की, आई लेस देन इक्वल्स टू 11 नहीं है, तो इसने प्रोग्राम वहीं को ब्लॉक किया और 10 तक प्रिंट आके एक हमें दे दिया। और इसमें थोड़ा सा वो रहते हैं किसी में कोऑर्डिनेट करते हैं, हेलो प्रिंट कराते हैं इसके अंदर इसके आई के साथ, ठीक है। तो ये हमें हेलो पता ही जाएगा कितने टाइम प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से भी हम अपनी कुछ अगर हमें कंडीशन चेक करनी है जो हमें दी हुई है कि न्यूमेरिकली साथ में आ जाए, तो ऐसे तो ऐसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। इसे रन करेंगे, ठीक है, तो देखो ये हमारा ट्रेंड नहीं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, ये प्रॉपरली सिक्वेंस में नहीं आ रहा, उसे इस तरीके से हेलो को प्रिंट करा लेते हैं, थोड़ा स्पेस देके प्रिंट करा लेंगे उसे स्ट्रिंग में, ये स्पेस को जो हमारा है इसे भी ये एज अ स्ट्रिंग, खाली स्पेस को भी एज अ स्ट्रिंग काउंट करता है और इसे भी इसके साथ भी शो होगा, ये देखिए स्पेस के साथ ही शो होगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इतने टाइम में हमारा हेलो प्रिंट हो रहा है। तो इसके अंदर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चेंज करते हैं, इससे पहले भी हमने करके देखा था, इसमें हम एक टेबल बना के देखते हैं, ठीक है, और इसे आई की जगह मैं एन क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा कुछ वेरिएबल्स याद रहते हैं तो उन पर यह हाथ प्रॉपरली चलता है, कीज पर आई प्रिंट कराएंगे, उसके बाद आई के साथ हम लिखेंगे इसको, उसमें थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे आई को, आई के बाद हम प्रिंट लेंगे इक्वल्स टू, ठीक है, फिर यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे एन इक्वल्स टू आई। तो एक हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम ये बनाया है, इसमें देंगे हम आई जो एक 10 की टेबल प्रिंट होगी और इसको देखेंगे हम आगे चल के इसका आंसर क्या आता है। तो फ्रेंड्स ये देखा कि 10 का टेबल प्रॉपरली हमारा ये प्रिंट होकर आ रहा है ये, और इसमें 10 1 2 3 4 5 ये 100 तक हमारा 10 टाइम प्रिंट कराया और 10 की टेबल इसने पूरी 10 टाइम प्रिंट कराई, टोटल हमारा 100 आया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने बहुत सारे थॉट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये कुछ जो मैंने प्रोग्राम बनाए हुए हैं जो तो बेसिक हैं, ये इससे आगे चल के हम और भी एडवांस लेवल के बनाएंगे, आप भी डिफरेंट तरीके से इसे यूज़ कर रहे हैं और इसकी मतलब प्रैक्टिस करते रहें अलग अलग तरीके से। इसके अंदर अभी ये मुझे अभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑब्जेक्ट्स बताना है कि जावा एज अ ऑब्जेक्ट क्लास कैसे यूज़ करते हैं, फिर एरे वगैरह है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोग्राम्स हैं तो उन्हें थोड़ा सा हम डिक्लेयर यहाँ पहले से ही क्लियर करके चलेंगे कि किस तरीके से कैसे होता है, फैक्टोरियल हुआ, प्राइम नंबर हुआ, तो इस तरीके से तो बहुत सारे प्रोग्राम हमारे लूप पे डिपेंड हैं जो लूप के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले उन प्रोग्राम्स को बनाएंगे
6, 5, 6, 7, 8, 10 जितने बनाने होंगे वो देख लेंगे, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस में आ जाए ताकि आप लोगों की। उसके बाद फिर हम आगे एरे पे और ऑब्जेक्ट क्लास पे चलेंगे, फिर आगे ऑफ सा कॉन्सेप्ट करेंगे। तो अभी ये हमारे लूप तक क्लियर हो गया, इफ एल्स क्लियर हो गया, लूप क्लियर हो गया, ये डू व्हाइल लूप।